माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ अमेजिंग कलेक्शन के साथ, समर अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं सारे के सारे आउटफिट लेकर के आए हो। आप ऑफिस वेयर के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, कैजुअल वेयर ढूंढ रहे हो, आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें होती है, तभी भी हमें प्रेजेंटेबल ही होना हर कोई चाहता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस लेकर के आई हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे। स्टार्ट करते मैं बार बार अगेन वही रिपीटेड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत ही प्यारे, ट्रस्ट मी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मेरी हाइट 5.5 है। मोस्टली सारे ही ब्रांड में मेरी साइज एल होती है, डब्ल्यू में मेरा नंबर 12 होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आउटफिट जिसके साथ आज मैं ये वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, अमेजिंग, पर्सनली मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला ये आउटफिट है। येलो कलर का ये कुर्ता है, मैंगो येलो कलर है। गर्मी आ रही है और मैंगो येलो कलर, वाओ बहुत ही प्रिटी कलर है। इंडियन स्किन टोन पे ये कलर बहुत ही अच्छे जाते हैं। आपको अगर छोटे मोटे हल्दी फंक्शन वगैरह के लिए भी कुछ आउटफिट ढूंढ रहे हो ना, तो इस कुर्ते के साथ आप कुछ फ्यूजन लुक क्रिएट कर सकते हो। आप इसे डेनिम के साथ वेयर कर सकते हो, स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हो, मल्टी तरीके से आप इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। धोती पैंट के साथ भी आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये कॉटन फैब्रिक है। फैब्रिक वॉज अमेजिंग, इतना सुपर फैब्रिक है ना। जिस भी फैब्रिक में ये वाले टैग होते हैं ना लीवा फैब्रिक के, तो उसके लिए तो कुछ बोलने की ही जरूरत नहीं होती। डैट्स मीन्स कि कॉटन और रेयन फैब्रिक दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, तो सुपर कंफर्टेबल हो जाता है ये। बहुत बातें हो गई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका राउंड नेक का ये कुर्ता आपको इस तरीके का कुछ मिलने वाला है। इसके जो वर्क हो रखा है ना नेक पे, अमेजिंग है, इतना क्लासी, इतना एलिगेंट है ना। सारा का सारा आपको ये थ्रेड वर्क मिल रहा है, वो इसके नेक पे आपको इस तरीके का वर्क मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। साइड में यहाँ पे आपको पिंक कलर के दो टैसल्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। साथ में बुटन बटन्स भी है, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, तो नॉर्मल साइड स्लिट मिल जाएगी, ब्रांड की ब्रांडिंग मिल रही है, और स्लीव यहाँ पे बिल्कुल बेसिक रखा है उन्होंने, 3/4 स्लीव्स रखा है। बैक बिल्कुल प्लेन है कुछ इस तरीके का, बट बहुत ही अमेजिंग कुर्ता है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आउट बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत ही प्रॉपर, जिसे एथनिक प्रिंट्स कहते हैं ना, कुछ उस तरीके का प्रिंट है। इस प्रिंट को मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं, बट बहुत ही प्यारा सा ये आपको प्रिंट मिलने वाला है। जयपुरी कुर्ती से ये कुर्ता है, बहुत ही, आई थिंक आप सबने इस कुर्ते को तो देख ही रखा होगा कहीं ना कहीं। ये हर जगह अवेलेबल है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह ये वाले कुर्ते आपको मिल जाते हैं। बट इसके कलर्स इतने खूबसूरत है ना, ये इतना खूबसूरत है ना, बहुत ही प्यारा सा ये आपको रस्ट रेड या रस्ट ब्राउन कलर आप बोल लो, उसके ऊपर इस तरीके का प्रिंट हो रखा है। कॉटन बहुत ही अमेजिंग है, प्योर कॉटन फैब्रिक है, सुपर सॉफ्ट वाला कॉटन फैब्रिक है। कुछ इस तरीके का नेक मिल जाएगा, राउंड नेक है। इस पे भी एक ये आपको डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट कलर का यहाँ पे एक फैब्रिक स्टिच मिल रहा है। उसके ऊपर यहाँ पे थोड़े काथा स्टिच टाइप का वर्क किया गया है, साथ में ब्लैक फैब्रिक से उसकी हाईलाइटिंग की गई है। अमेजिंग, बहुत ही प्यारा सा है। आप इसके साथ ना कोई पेंसिल पैंट के साथ वेयर करो या वाइट प्लाजो के साथ वेयर करो, बहुत ही उठ के आएगा ये। आप इसके साथ ब्लैक या इस तरीके के कलर ना पहन के वाइट पहनना, बहुत ही अमेजिंग लुक करता है। देन आपको साइड में भी इस तरीके के एक फैब्रिक से इसकी हाईलाइटिंग की गई है, जो साइड पोर्शंस होते हैं ना वहाँ पे एक अच्छी खासी आपको स्लिट मिल रही है। लॉन्ग कुर्ता है, बहुत ही प्रिटी लगता है। स्लिप्स की अगर हम बात करते हैं तो 3/4 स्लिप्स मिल जाएगा। स्लिप्स पे भी आपको जिससे नेक की हाईलाइटिंग की गई है, सेम उसी फैब्रिक से यहाँ पे स्लिप्स की भी हाईलाइटिंग की गई है। बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, वही प्रिंट मिल जाएगा जो आपको आगे फ्रंट पे मिल रहा है। यहाँ पे कुछ अलग प्रिंट है, बट नीचे जो प्रिंट है वो एकदम एग्जैक्टली सेम ही है, जैसा आगे आपको मिल रहा है एग्जैक्टली वही आपको बैक पे भी मिल रहा है। बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत लंबे टाइम से मैं इसे लेना चाहती थी। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट आउट ग्रीन कलर का ये कुर्ता है, बहुत ही खूबसूरत ये भी कलर है, डार्क ग्रीन कलर का ये आपको इस तरीके का कुर्ता मिल जाएगा। फैब्रिक कॉटन है, वही लीवा फैब्रिक है। यहाँ पे आपको वापस से ये टैग दिख रहा होगा, तो फैब्रिक के बारे में कुछ कहने की ही जरूरत नहीं है, इतना अमेजिंग इसका फैब्रिक होने वाला है। राउंड नेक का ये आपको कुर्ता मिल जाएगा, नेक पे आपको गोल्ड फैब्रिक से उसकी हाईलाइटिंग की गई है, बहुत ही प्यारे तरीके से नेक की हाईलाइटिंग की गई है। पूरे ही पे यहाँ पे आपको ये डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा इस तरीके के फ्रंट पे, आप जो कि नीचे तक आ रहा है कुछ इस तरीके से, इस तरीके का पूरा डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा। अप साइड पे आपको सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा, ब्रॉन्ज कलर के सीक्वेंस है, आपको इसकी हाईलाइटिंग भी आपको मिल जाएगी, कहीं कहीं सीक्वेंस है। मे बी कैमरा आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा होगा, आप ट्राई ऑन में देखो, मैंने बहुत पास से किया है तो आपको विजिबल हो पाएगा प्रॉपर। स्लीव्स की तरफ अब हम मूव करते हैं। स्लीव्स आपको 3/4 मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पे अगेन हाईलाइटिंग की गई है।
यहाँ पे ये प्रिंट है, यहाँ पे सीक्वेंस वर्क नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि सीक्वेंस स्टिच किया गया हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बैक बिल्कुल प्लेन है जैसा कि होता है, और स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है तो साइड से एक स्लिट मिल जाएगी, नॉर्मल से स्लिट। इस कुर्ते की लेंथ ओके ओके है, बहुत ज़्यादा लंबा कुर्ता नहीं है, तो ये मिड लेंथ वाले आपका कुर्ता है। तो कलर बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अमेजिंग कलर्स है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आउटफिट भी ब्रांड डब्ल्यू से ही है, बहुत ही प्यारा है, ये भी कलर ब्लू है। ऑफिस वगैरह के लिए इस तरीके के कलर्स हमेशा ही बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरीके का जो नेक होता है ये ऑफिस वगैरह में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको ना बार बार अपने कपड़े की तरफ बार बार ध्यान नहीं देना होता और बिल्कुल फ्री होकर के आप रहते हो इस तरीके के आउटफिट में। तो नेक आपको इस तरीके का पैक मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे छोटा सा आपको कट भी मिल रहा है, यहाँ पे हुक्स और बटन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। पूरे आउटफिट पे आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा, ब्लू पे वाइट प्रिंट बहुत ही अच्छा है। अगेन फैब्रिक की अगर हम बात करते हैं तो ये भी फैब्रिक लीवा फैब्रिक ही है, दैट्स मीन्स की कॉटन और रेयन का मिक्स होता है, जो कि बहुत ही कम्फर्टेबल हो जाता है, सुपर सॉफ्ट भी होता है। तो कुछ इस तरीके का आपको कुर्ता मिल जाएगा, पूरे ही कुर्ते में आपको ये प्रिंट मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है। ऐसा लग रहा है देख करके ना ये पूरा का पूरा थ्रेड वर्क हो रखा है, बट ये थ्रेड वर्क नहीं है, पूरे पे ही आपको प्रिंट मिल जाएगा। देन इस साइड पे आपको एक स्टिच फैब्रिक मिल रहा है, ये साइड्स पे जो आपको ये पट्टी दिख रही है ना, ये एक पूरी स्ट्राइप लाइन जो है ये स्टिच फैब्रिक है, ये भी प्रिंटेड है, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से आपको मिलने वाली है, नीचे तक ये जाएगी कुछ इस तरीके का, तो बहुत ही प्रिटी लुक करता है। आप इस तरीके के कुर्ते में ना थोड़े लंबे भी लगते हो और थोड़े पतले भी दिखते हो। तो स्लिप्स की तरफ हम मूव करते हैं। स्लिप्स आपको 3/4 मिल रहा है, अगेन स्लिप्स पे भी आपको हाईलाइटिंग मिल जाएगी। जिस भी कुर्ते में ना हाईलाइटिंग स्लिप्स वगैरह पे कुछ होता है ना, तो मुझे वो कुर्ता ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे प्लेन बेसिक से स्लिप्स ना मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आते हैं। बैक साइड आपको बिल्कुल प्लेन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का मिल रहा है आपको बैक साइड पे। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, कुर्ते की लेंथ ओके ओके है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग कुर्ता ये भी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप इसे ब्लैक प्लाजो के साथ वेयर करो, बहुत ही सही लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा समर्स में। साइड से आपको इस तरीके की एक स्लिट मिल जाएगी। तो बस यही थे आज के मेरे आउटफिट्स। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत मुश्किल होता है वीडियोस आप सबके लिए लाना बनाना, अभी कोविड चल रहा है हमारे शहर में, वापस से कोविड का थोड़ा अभी सिचुएशंस ऐसे हो रहे हैं, तो डिलीवरीज आने में बहुत देर हो जाती है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यूअस आप सबके लिए वीडियो लाऊँ। ट्रस्ट मी दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट की है, और आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए इस वक्त। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।